गुड आफ्टरनून वेलकम टू एन अकेडमी एंड माई नेम इज़ प्रतीक गुप्ता एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट फ्री बीज आर द रियली रिक्वायर्ड सो जो हमारी डिस्कशन आज की होगी मान के चलिए उसमें हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि फ्री बीज जो अलग अलग पोलिटिकल पौ, पार्टीज अनाउंस करती हैं क्या वो रियली really रिक्वायर्ड है या नहीं है काफ़ी टाइम से डिबेट में है काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है कि क्या फ्री बीज वाकई में रिक्वायर्ड है या नहीं है और अगर वो दी जाती हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है अलग अलग तरह के लोग बातें कर रहे हैं ठीक है आप जानते हैं कि करंट रूलिंग पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक पी आई एल दर्ज की थी जिसके अंदर यह बोला गया कि जो फ्री बीज हैं उनकी वजह से मान के चलिए काफी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं स्टेट लेवल पे उनके फाइनेंस में और मान के चलिए यह बताया गया कि उससे किस तरीके से वोटर को नेगेटिव तरीके से आप इन्फ्लुएंस करते हैं इनफैक्ट वट ही वॉज ट्राइंग टू से दैट यू आर बेसिकली चीटिंग दी वोटर्स और उसके बाद आप मान के चलिए आग में घी वाला काम किया किस चीज़ ने जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको रेवड़ी कल्चर का नाम दिया कि एक रेवड़ी आप लोग आई एम श्योर जानते होंगे रेवड़ी इज़ बेसिकली यू नो वट एवर थिंग्स यू यू बीन गेटिंग एज यू नो इज समथिंग लाइक समथिंग स्वीट इन नेचर विच इज़ बीन गिवन फॉर फ्री इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री तो कहने का मतलब क्या है कि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि एक uh, लाइमलाइट मिल गई जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक रैली के अंदर जब एक यूपी में वो गए थे एक हाईवे का या एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए जब उन्होंने इस बात को बोला तो इसको काफी ज्यादा बात को तूल मिल गई और उसके बाद आप जानते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट को वैन दे बेसिकली रेफर दिस पर्टिकुलर केस टू यू नो अ थ्री जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस थे जो उसी दिन रिटायर होने वाले थे उन्होंने अपने डिसीजन में या फिर अपनी जजमेंट में काफ़ी कुछ बातें कही जिसके ऊपर हम बात करेंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता जैसे मैंने अभी बताया और आई एम टीचिंग टू द इंडियन सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स फॉर द लास्ट टेन ईयर्स एंड माई कोर इज पी जी यू पी एस सी सो टू जॉइन माई कोर्सेस यू कैन यूज दिस कोर टू गेट टेन परसेंट ऑफ एंड माई कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एट्थ ऑफ सेप्टेंबर You know and that is going to be based on the NCRTs, and the next course will be initiated on uh, 10th of October. That is going to be a full-fledged course. That is going to be very important for both prelims as well as mains examination point of view. You must be knowing that yesterday there was an event on on pn onwards, and I really hope that you people enjoyed it. Then why you need to cho choose an academy? Because you know this thing, it's the largest platform to learn online then why you need to choose an academy because Toper, because toppers decided to you know uh, take uh, classes here so you also need to decide to take classes here then you can simply choose the educators as per your choice so whatever educator you like you can simply go for it and the subject also then you can simply join us on the telegram channel and community channel then after that you can simply go for the plus courses and iconic courses in the plus courses and iconic courses what is the basic difference as you know then in case of iconic courses, you're going to get a one-to-one -one mentorship and you will also get the mains question and answer practices. Okay, so the amount that you need to pay for a 36 months course after discount will be 2697 for 36 months, and the amount that you need to pay for 36 months will be 4267 after discount. You can use my code and you can also take the you know combo subscription. Again, you're going to get a lot of off here. So when you take the combo, it is 2911 for 36 months for plus courses and 4391 for the iconic courses then you can also choose the uh, subscription thing uh, separately if you want to take and you can use my code for the purpose of getting 10% off and if you are facing any kind of financial difficulty you can go for the 0% emi and uh, new batches are going to start from 8th of september so you can simply choose as per your you know kind of comfortness like if you want to go for bilingual english or hindi whatever things you want to simply join then after that adequist I I, I I really hope that you people participated and you won good amount of money out of that अब देखिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की जैसे आप जानते हैं डिबेट्स हमारी इकोनॉमी में काफ़ी टाइम चले जैसे मैंने अभी बोला पर देखिए एक पॉइंट जो बार बार टाइम पे एक जो पॉइंट है वो अलग अलग टाइम पे जो न्यूज़ में आता है वो ये है कि व्हाट इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस पब्लिक गुड देखिए नॉर्मली जब हम पब्लिक गुड्स को डिफाइन करते हैं समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग समथिंग गुड एक तरीका ये भी होता है डिफाइन करने का समथिंग विच इज़ बेसिकली क्रिएटिंग समथिंग गुड फॉर द पब्लिक दैट इज़ नथिंग बट द पब्लिक गुड और एक तरीका यह होता है पब्लिक गुड डिफाइन करने का मान के चलिए कि जो सबके लिए विच इज़ अवेलेबल फॉर एवरी वन इज बेसिकली योर पब्लिक गुड गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अब देखिए जब हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं क्योंकि देखिए जो अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं अलग अलग लोग डिफाइन करते हैं वो एक अलग मुद्दा है बट जब हम बाकी में पब्लिक गुड्स की बात करते हैं कि पब्लिक गुड्स एग्जैक्टली होते क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर तो मान के चलिए कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम पब्लिक गुड्स को डिफाइन करते हैं विच आर बेसिकली बोथ नॉन रेबलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर ओके एंड वट एवर थिंग्स विच आर रेवलरस एंड मोर एवल एक्सक्लूडेबल इन नेचर दे आर नोन एज अ प्राइवेट गुड्स ठीक है अब देखिए ये दोनों टर्म्स होती क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ देखिए जब आप बात करते हैं किसी भी चीज की रेवल रेस की ओके सो बेसिकली आप किसी भी चीज को कहते हैं रैवलड्रेस इफ एंड ऑनली जब मान लीजिए अगर आप कुछ चीज कंज्यूम कर रहे हैं सो लाइक इफ यू टेक दिस एग्जाम्पल इफ एन इंडिविजुअल कंजम्शन ऑफ इट डिमिनेस अदर्स एबिलिटी टू कंज्यूम इट फॉर एग्जाम्पल राइस अगर आपके पास राइस अवेलेबल है और अगर आपने वो कंज्यूम कर लिए तो मान के चलिए वो दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे बिकॉज यू कंज्यूम्ड इट इज फिनिश्ड ओके और नॉन लैबर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसे कंज्यूम कर भी रहे हैं तो उस केस में मान के चलिए वो दूसरे के लिए खत्म नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल इफ ए टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड स्ट्रीट लाइट अगर आप स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे अगर आप स्ट्रीट लाइट की लाइट को यूज कर रहे हैं तो अगर कोई दूसरा उसको यूज करना चाहता है तो मान के चलिए उसके लिए उसकी कंजम्पशन जो है और जो उसके रिक्वायरमेंट है उसकी कंजम्पशन से वो डिमिनिश नहीं होगी गेटिंग आई एम सो बेसिकली इट इज नॉन राइवल इन नेचर सेकेंडली इज बेसिकली नॉन एक्सक्लूडेबल अगर एक्सक्लूडेबल किसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम कंज्यूमिंग इट ओके यानी कि अगर आप एक चीज को कंज्यूम कर रहे हैं और उसको आप दूसरे को कंज्यूम करने से रोक सकते हैं तो बेसिकली वो आपका नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर नहीं कहलाएगा ठीक है अगर आप रोक पा रहे हैं तो एक्सक्लूडेबल है नहीं रोक पा रहे हैं तो नॉन एक्सक्लूडेबल है यहीं पर देखिए अगर आप बात करेंगे

सारे गुड्स को हम बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स सो समथिंग कॉल्ड एक्सक्लूडेबल नॉन एक्सक्लूडेबल रेवल रस एंड नॉन रेवल रस देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो आपकी एक्सक्लूडेबल है और नॉन रेवल रस है और नॉन एक्सक्लूडेबल है और वो आपकी रेवल रस है फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक गुड्स में अगर आप बात करें होम स्टेट्स यू नो बाथरूम क्लीनर दिया था ठीक है अगर आपने खरीदे तो वो आपका है वो किसी दूसरा कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। बट वहीं पे आप बात करेंगे क्लब हाउसेस की सो नॉन इन नेचर है बट एक्सक्लूडेबल है ओके okay? वहीं पे अगर आप बात करेंगे यू you नो know, अगर आप बात करें नॉन एक्सक्लूडेबल की और रेवलरेस की तो आप बात करेंगे फिश स्टॉक की अगर आपने कंज्यूम कर ली तो दूसरे के लिए नहीं बचेगी बट मान के चलिए आप दूसरे को उसको यूज करने से यानी कि सी में जाके फिश निकालने से नहीं रोक सकते हैं सो बेसिकली इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल बट इन नेचर बट अगर आप बात करेंगे पब्लिक गुड्स में तो ये हो गया आपके फायर प्रोटेक्शन हो गई नेशनल डिफेंस हो गई क्लाइमेट मिटिगेशन मेजर्स हो गई यू नो और जो भी चीजें हैं आपकी सारी की सारी ये हो गई आपकी नॉन एक्सक्लूडेबल एंड मोर ओवर टी नॉन राइवल तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसकी यूटिलिटी दूसरे के लिए कम नहीं होगी और अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं दूसरे को उसको यूज करने से नहीं रोक सकता सो इफ दीज आर टू फीचर अवेलेबल विद ए पर्टिकुलर थिंग दैट इज बेसिकली नोन एज आर पब्लिक गुड ठीक है अब देखिए पॉइंट यह आता है क्या हर पब्लिक गुड से वेलफेयर होती है या नहीं होती है ठीक है तो पॉइंट मान के चलिए माना यह जा रहा है कि वॉट एवर यू नो पब्लिक गुड्स वी हैव इन केस ऑफ एनी कंट्री दैट इज लीडिंग टू सम सॉर्ट ऑफ अदर वेलफेयर फॉर द पीपल अब देखिए अगर नेशनल डिफेंस की अब बात करेंगे तो से कहेंगे सर नेशनल डिफेंस से कैसे वेलफेयर हो रहा है बिकॉज यू आर बिंग प्रोटेक्टिंग ओके द गवर्नमेंट इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम दी एनिमीज दट इज नथिंग बट दी वेलफेयर ऑफ पीपल वहीं पर फायर प्रोटेक्शन की बात करें अगर आग लग जाएगी तो उस केस में जब गवर्नमेंट आपको फायर प्रोटेक्शन की चीजें प्रोवाइड करेंगी तो उसके पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर सेम तो देखिये पॉइंट ये आता है कि अगर ये दो कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो उस केस में मान के चलिए आप बोलते हैं कि वो जो पर्टिकुलर गुड्स है वो आपका पब्लिक गुड है ठीक है अब देखिए यहां पे देखिए कई बार डिबेट में इतने ज्यादा हम लोग फंस जाते हैं कि ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि वाकई में पब्लिक गुड पब्लिक की वेलफेयर के लिए है या वो बेसिकली किसी अपने पर्सनल मोटिव के लिए आपको दे गई है अब देखिए यहां पे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा दू जिससे आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ द दैपटॉप्स आर बिंग गिवन फॉर यू नो फ्री टू द ओके इफ दब्लिकॉप्स आर बिंग गिवन फ्री फॉर दब्लिक टू दब्लिक लेट सपोज फॉर दर्पजली एजुकेशन तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि देखिए लैपटॉप जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक एजुकेशन परपज के लिए क्या वो जरूरी है कि वो एजुकेशन के लिए यूज होंगे या फिर केवल और केवल आप अपने पर्सनल बेनिफिट के या फिर सामने वाले को प्लीज करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है अब देखिए पॉसिबिलिटी है कि इन द नॉर्मल सर्कमस्टांस यू कैन से पर्पज ऑफ प्लीजिंग दर बट ऑन दर एंड इफ यू टॉक अबाउट एज यू Know that recently, because of COVID-19 pandemic, you know, the same laptops, obviously, these were not sold by the people in the open market because I know the lot of laptops which were given by the UP government, you know, as a part of their welfare measures, were sold by the people in the open market. But the point is what those people who have not sold it, okay. मे बी यू कैन से इन द टाइम ऑफ कोविड नाइनटीन सिंपली टेकिंग एजुकेशन फ्रॉम होम देन इट वॉज सिंपली यूज बाई देर दर्पज ऑफ एजुकेशन सो इन दिस वे सिंपली वॉट यू कैन से इट वॉज यूज फॉर दर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल ठीक है अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे अगर हम निकाल के लाएं वो ये भी हो सकती है कि जब लैपटॉप आपको फ्री दिए गए तो कुछ लोगों ने बोला कि सर लोगों ने उन लैपटॉप को मार्केट में जाकर सेल कर दिया दैट इज फाइन ओके यस दे हैव डन इट बट द पॉइंट इज वॉन गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट इज गिविंग यू समथिंग फॉर दी पर्पज ऑफ यू नो वेलफेयर बट अगर आप उसको यूज नहीं करें या फिर आप उसमें गलत काम तो problem, कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द गवर्नमेंट प्रॉब्लम आई वुड से अब देखिए अगर आप बात करें एजुकेशन की एजुकेशन इज बेसिकली कंसिडर्ड समथिंग एज अ वेलफेयर मेजर ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट अगर आप स्कूल जाके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सो यू कैन से वट एवर अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाई गवर्नमेंट ऑन योर एजुकेशन इज बेसिकली वेस्टेड बट ऑन दी अदर एंड इफ यू गोइंग टू स्कूल एंड इफ इन द एजुकेशन वेरी सीरियस वे दैन सर्टन सोसाइटी अब देखिए एक पॉइंट ये भी होता है डिफाइन करने का कि जिन चीजों से असेट बिल्ट होती है दैट आर नथिंग बट बेसिकली कैन ऑफ वेलफेयर मेजर्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेम वे अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे जो अभी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि सामने वाले ने ठीक से पढ़ाई करी ठीक है या नहीं करी ये डिपेंड करता है कि जो भी आपने वेलफेयर मेजर्स कर रहे हैं उससे आने वाले टाइम में आर यू गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट और नॉट तो देखिए तभी मान के चलिए ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सामने वाली चीज वाकई में फ्री बीज है फ्री में यानी कि सामने वाले को प्लीज करने के लिए दी गई है या फिर मान के चलिए यह वाकई में एक वेलफेयर मेजर के तौर पर सामने गवर्नमेंट ने जनता को प्रोवाइड करी है अगर आप हेल्थ केयर की बात करें अगर हेल्थ केयर में देखिए आप बात करें इफ़ द पीपल आर सपोज टू गेट बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एन अदर एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओके फॉर दर्पज ऑफ गेटिंग अ गुड हेल्थ एंड गुड हेल्थ इज गोइंग टू यू नो कॉन्ट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ पीपल फॉर श्योर समझ पा नहीं पा रहे बट पॉइंट ये निकल के आता है अगर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते हैं इवन दो फैसिलिटीज आर बी गिवन बाय द गवर्नमेंट बायर्नमेंट सर्टन यू कैन से इट लीड्स टू वट एवर अमाउंट ऑफ मनी इज बिंग स्पेंड बाई गवर्नमेंट इज बेसिकली बींगो वोइंग वेस्ट बट देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आप जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं डॉक्टर्स नहीं होते हैं नर्सेस नहीं होते हैं मेडिसिन नहीं होती है अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है उस केस में हम क्या कर सकते हैं हम वहाँ पर जाके करें भी क्या तो देखिए वो एक अलग मुद्दा है दैट इज समिंग बेसिकली अंड ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर समथिंग अबाउट द फ्री डिबेट कि जो चीज़ें गवर्नमेंट जनता को प्रोवाइड करती है क्या उनसे वेलफेयर होती है या फिर वो सामने वाले को केवल प्लीज करने के लिए वोट लेने के लिए करती है समझ पा नहीं पा रहे तो पॉइंट क्या है वेलफेयर यानी पब्लिक गुड की अगर बात करें तो दो करेक्टरिस्टिक्स एक्सक्लूडेबल नहीं होनी चाहिए एंड इट हैज टू बी नॉन इन नेचर यानी कि अगर मैं कंज्यूम करूं तो तुम भी उसको कंज्यूम करो उसकी कंजम्पशन की अवेलेबिलिटी कम ना हो और अगर मैं उसको यूज करूं तो मैं आप दूसरे को उस चीज को यूज करने से रोक नहीं सकता फॉर एग्जाम्पल रूट अबाउटिंग वट आई एम सेइंग अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की बात करें पब्लिक गुड्स की तो बहुत सारे हैं अगर आप बात करें जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी हो गई एजुकेशन एंड साइंस हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एनवायरमेंट हो, हो गया पब्लिक हेल्थ हो गया बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिसके बारे में अभी मैंने आपको बेसिक बताया फ्री बीज के बारे में ठीक है अब देखिए पॉइंट ये आता है जब हम इसके आगे बात करते हैं इन चीजों के लिए तो अभी ये सब चीजें न्यूज में और ज्यादा हाईलाइट क्यों हो गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करी रिगार्डिंग द फ्री अब देखिए यहाँ पे चार्ट दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे जिसमें बोला गया है स्टेट्स सब्सिडीज एक्सपेंडिचर कि जो अलग अलग स्टेट हैं वो सब्सिडीज पे कितना कितना खर्चा करती हैं और किस तरीके से सब्सिडीज का जो खर्चा है स्टेट गवर्नमेंट का वो कैसे बढ़ता आ रहा है अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द सब्सिडीज एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स गवर्में� ओके

बट यहीं पे देखिए अगर आप कंपैरिजन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के यू नो वेलफेयर मेजर्स से जैसे अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करेंगे सो अराउंड दो लाख करोड़ रुपए तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट केवल और केवल जनता के खाने पे यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हम खर्च करते थे गेटिंग सो दैट इज जस्ट अ टोटल नंबर अब देखिए इसके आगे हम नेक्स्ट ग्राफ में बात करेंगे तो आपको पता लगेगा किन किन स्टेट में वो कितना कितना खर्चा करते हैं सब्सिडीज के ऊपर ठीक है सो इफ यू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ विच वींग एबल टू सी हि द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सब्सिडीज यू कैन से इफ यू टॉक अबाउट इन कंपेरिजन टू द टोटल एक्सपेंडिचर और यू नो इफ यू टॉक अबाउट दी यू नो दॉट यू से लाइक इफ यू सी एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन सब्सिडी एक्सपेंडिचर की कितनी ग्रोथ हो रही है तो सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे आपको मिलेगी इन केस ऑफ यू नो इफ यू टॉक अबाउट सॉरी टॉक अब दिस पार्ट ऑफ दी ग्राफ दैट इज शो सब्सिडीज स्लैश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर परसेंटेज एंड देन इफ इ टॉक अबाउट हाउ मच ग्रोथ के मामले में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आगे बनता है केरला ओके एंड झारखंड हुआ प्रोवाइडिंग यू नो मैक्सिम अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी देर इन प्रोवाइडिंग बट इफ यू टॉक अबाउट दी सब्सिडी इन कंपेरिजन टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन स्पेंड पाय गुजरात गवर्नमेंट एंड मोर ओवर जाब सो इट इज अराउंडोरसेंट 13.89%. तो कहने का मतलब क्या है अगर पंजाब गवर्नमेंट डेली बेसिस पे सौ रुपए खर्च करती है अलग अलग चीजों के लिए डेली बेसिस पे तो मान के चलिए उनमें से अराउंड थर्टीन रुपीज के आसपास वो खर्च कर रहे हैं केवल सब्सिडीज पे और गुजरात इज अराउंड रुपीज समथिंग उसके बाद बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राजस्थान महाराष्ट्र देन इफ यू टॉक अबाउट तमिलनाडु हरियाणा एंड देन इफ यू टॉक अबाउट दी ऑल दी स्टेट्स एवरेज सो दैट इज अराउंड समवेयर अराउंड एट परसेंट के आस पास का समझ पा रहे मेरा पॉइंट क्या है सो so, देखिए ये स्टेट्स का अमाउंट है अब पॉइंट ये आता है क्या ये अमाउंट बहुत ज्यादा है और दिस अमाउंट इज एक्चुअली रियली यू नो लेस अब देखिए पॉइंट ये निकल के आता है सब्सिडीज देना क्या बुरा है I would say it is not, because it is required for the people. But as yes, you know, subsidies are good when it fulfills the following three condition That first of all, jisko uski zarurat ho usi ko mile That means it has to be properly targeted. Targeting की बात करेंगे, targeting proper होनी चाहिए। यानी कि अगर गरीब के लिए तो गरीब को मिले, ठीक है? अमीर को ना मिले उसका फायदा। That that's why you can say in case of our country we are calling subsidies as a regressive in nature. ये अमीर को ज्यादा फायदा मिलता है इन कंपैरिजन टू दी पुअर पीपल सेकेंडली इट हैज टू बी प्रॉपरली हैज टू बी टारगेटेड इट इट हैज हैज टू टू बी बी इंप्लीमेंटेड एंड देन सूटेबली मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी गिवन टू पीपल आउट ऑफ इट तो देखिए सब्सिडीज प्रोवाइड करना कोई गलत नहीं है ये सिंपल सा लॉजिक है बट पॉइंट ये है अगर आप इन चीजों को फुलफिल करेंगे तो ही वो ठीक कहलाएगा ठीक है, थीक है? थीक है? अब देखिए अगर आप बात करें यहाँ पे फ्री बीज की पहली बात तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पे हमें फ्री बीज के बारे में बात किया टू पॉइंट पॉइंटेंड ट्वेंटी थ्री आई वुड से क्या ये वाकई में नंबर ठीक है या नहीं है तो देखिए पहली बात ये है कि आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दीज नंबर पॉइंट इज वॉट देर इज नो वेयर इन आर कंट्री एनी ऑफ द गवर्नमेंट बुक आई वुड से फ्री बीज आर नॉट डिफाइंड उनको डिफाइन नहीं किया गया है बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है तो मान लेते हैं चलिए तो कहते फ्री आ, आर कहता है कि आंध्र प्रदेश ने टू पॉइंट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इफ यू टॉक अबाउट बिहार जीरो हरियाणा जीरो झारखंड 1.7 एंड देन पंजाब 2.7 तो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा इन दो स्टेट्स के अंदर अब देखिए पॉइंट यह है ऐसा क्यों है Like if we talk about why these two states are basically being announcing maximum because you know this thing in the andhra pradesh elections are going to happen okay and as you know that you have a new government in case of punjab so whatever promises they basically provided to the people at the time of election okay once we will come into the power we will give you this free that free and the other they are basically trying to fulfill it and that's why you can say they've been spending more and more amount of money on the freebies or you can say so called freebies

ये अच्छा खासा बट देखिए यहां पे कुछ भी किसी ने नहीं बताया है कि कितने परसेंटेज को हम सही माने या कितने परसेंटेज को हम गलत माने ये सब डिपेंड करता है कि देखिए वट एवर अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव कि डू यू हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड हम देखिए यहां पे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इस तरह का समझाने की कोशिश करूँ मान लीजिए कि आपके पास दस रुपए है दैट यू टेन रुपीज बिथ यू ओके और उस दस रुपए में मान लीजिए आपको खाना खाना है दैट यू नीड टू ईट समथिंग बिकॉज यू बेसिकली हंगरी बट आपने क्या किया उस दस रुपये में खाना खाने की जगह आपने क्या किया यू बेसिकली स्टार्ट यू नो स्पेंडिंग दिस मनी ऑन दोज थिंग्स विच आर नॉट गोइंग टू यू नो फुलफिल योर यू नो हंगर रिक्वायरमेंट तो उस केस में क्या हुआ कि यू आर बेसिकली वेस्टिंग दी भाई बट ऑन दी अदर एंड इमेजिन यू हैव हंड्रेड रुपीजी विद यू एंड ओनली टेन रुपीज यू नीड फॉर दी पर्प हंगर रिक्वायरमेंट कहेंगे आई हैव लॉट ऑफ मनी दैट आई कैन स्पेंड एनी वेयर दैट इज नॉट गोइंग टू यू नो इम्पैक्ट माई नेसेसिटीज तो पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या निकल के आता है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले नेसेसिटीज की बात करनी चाहिए उनको फुलफिल करना चाहिए सोसायटी टू ब्रिंग समर्ट ऑफ इक्वालिटी अब देखिए मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ सोसायटी में सबके पास खाने के लिए खाना यू नो फूड ग्रेन प्रॉपर है उनके पास रहने के लिए घर है सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ है बट इमेजिन द पीपल आर नॉट हैविंग फैसिलिटीज टू इंटरनेट एक्सेस विद दम सो इन दिस केस इमेजिन ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इट फॉर फ्री टू द पीपल दैन अगेन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज दे एर बिंग ट्राइंग टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी ट्राइंग टू से तो देखिए पॉइंट ये है इंटरनेट अगर आप देखें अगर फ्री प्रोवाइड किया जाए तो डेफिनेटली आप उसे फ्री बीज भी कह सकते हैं आप कहेंगे सर जब फोन में डेटा फ्री मिल रहा है तो गवर्नमेंट इस पर खर्चा क्यों कर रही है दर इज नो नीड

से इंटरप्रटेशन कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस चीज को समझाना कि क्या ठीक है और क्या गलत है इस पर्टिकुलर केस के अंदर गेटिंग मोर टाइम ट्राइंग टू से अब देखिए आगे बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि अलग अलग स्टेट के ऊपर कितना कितना कर्जा है तो राजस्थान के ऊपर इतना है 39.5 परसेंट ऑफ जीडीपी बिहार पे 38.6 है विच इज गोइंग टू राइज लिटिल बेट विच इज अगेन गोइंग टू राइज लिटिल बेट सो बेसिकली दे हैव गुड अमाउंट एंड दी हाइस्ट अमाउंट एज यू कैन सी इज बेसिकली विद दी पंजाब गवर्नमेंट तो देखिए डिबेट निकल के यहाँ पे ये आती है कि क्या हमारी कुछ स्टेट का हालत भी श्रीलंका जैसा होने वाला है श्रीलंका में हुआ है बिकॉज यू नो दिस थिंग इन श्रीलंका दे प्रोवाइडेड लॉट ऑफ फ्री थिंग्स टू द पीपल ओवर देयर एंड द स्टेट दॉ नॉट अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी यानी कि अगर आप कमा नहीं रहे हैं और आप खर्चा किए जा रहे हैं बाई टेकिंग लोन देन इट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम बट अगर आप कमा रहे हैं और खर्चा करें देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल तो देखिए पॉइंट यहाँ पे ये यह है कि वाकई में क्या ये जो डिबेट चल रही है इससे कुछ निकल के आने वाला है तो उसके ऊपर बात करते हैं बट उससे पहले ये जानने से पहले कि एक मुद्दा क्या कि वाकई में उससे पॉलिटिकल पार्टीज को एक फायदा होता है या नहीं होता है उसके ऊपर उपाध्याय बेसिकली अपोजिजीज पार्टीज प्रॉमिसिंग सोप्स एंड द इलेक्शन कमीशन कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टीज तो कहने का मतलब क्या उन्होंने बोला कि तो फ्री की चीजें दी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं वाटर की बात कर रहे हैं ठीक है सीसीटीवी कैमरास की बात कर रहे हैं जो भी आप उन सब चीजों की बात कर रहे हैं कहते हैं दीज आर नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड दैट इज नॉट सपोज टू बी प्रोवाइडेड बिकॉज इट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑन टैक्स पेयर बिकॉज देखिए दर इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्रॉस सब्सिडाइजेशन कि आप बेसिकली किसी एक को चीज मुफ्त देने के लिए दूसरे पे ज्यादा टैक्स लगा के उससे वसूल रहे हैं एंड देन यू बीन प्रोवाइडिंग समथिंग फॉर फ्री टू द पीपल ओके जैसा मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पे टैक्स ज्यादा लगा दिया और उससे पैसा कमा के गवर्नमेंट ने क्या किया पीएम किसान में जनता को पैसा देना स्टार्ट किया बिकॉज पीपल आर नॉट हैविंग मनी टू सिंपली बाय फर्टिलाइजर्स एंड सो दैट इज बेसिकली नथिंग बट दी क्रॉस सब्सिडाइडेशन कि यू आर बेसिकली कलेक्टिंग मनी फ्रॉम वन सोर्स एंड यू आर बेसिकली स्पेंडिंग दिस मनी फॉर सम अदर समर्प सेम अब देखिए ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को जब ये डिबेट आई और जब डिबेट का मान लीजिए कंक्लूजन सामने आने वाला था तो उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उसी दिन रिटायर होने वाले थे उन्होंने क्या बोला दैट इज सेट दैट देयर कैन बी नो डिनाइंग दैट इन एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी द ट्रू पावर लाइज विद द इलेक्टोरेट एंड द इलेक्टोरेट जजेस द पार्टीज एंड द इलेक्टोरेट जजेस द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यानी कि सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है जो वोट देता है ठीक है और जो उसका मतदान है वो ये जज करता है कि वो पार्टीज या कैंडिडेट्स में से किसको चूज करने वाला है तो देखिए, मैं आपको यहां कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेड अ वेरी डिफेंसिव थिंग क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बीइंग गोइंग एज पर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गए हैं उसका नाम क्या है देखिए देखिए नाम क्या सजेस्ट करता है कि ये वो ऐसे प्रिंसिपल हैं जो गवर्नमेंट्स अपने माइंड में रखेंगी वाइल फ्रेमिंग देयर पॉलिसीज सिंगेर ऑफ पीपल तो ठीक है तो उन्होंने बोला कि लेट द पीपल डिसाइड कि जो इलेक्ट्रोरेट हैं वो डिसाइड करेंगे कि सामने वाला जो उनको प्रोवाइड कर रहा है क्या वाकई में उनको जरूरत उसकी है या नहीं है अगर देखिए उनको उसकी जरूरत है तो वो उसके फेवर में वोट करेगा अगर उसको उसकी जरूरत नहीं है तो उसके फेवर में वोट वो नहीं करेगा अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात लेता हूं आप जानते इलेक्ट्रिसिटी में यू नो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट गुड्स दैट वी आर यूजिंग इन अर हाउस ओके एंड वॉट इज बीन डन बाई द डेली गवर्नमेंट हेयर की दे आर प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट टू हंड्रेड यूनिट्स फ्री टू दी एवरी वन ठीक है अब आप लोग जानते हैं दो सौ यूनिट फ्री टू एवरी वन मीन्स इफ यू यूज लेस देन टू हंड्रेड इलेक्ट्रिसिटी यूनिट और यू हैव अ पर्टिकुलर यू नो क्राइटेरिया दैट इवन इफ आई यूजिंग टू हंड्रेड यूनिट्स एंड यू आर बीन यूजिंग मोर देन फोर किलो वॉर्ड्स देन अगेन यू आर नॉट गोइंग टू गेट दू नो सब्सिडीज आउट ऑफ इिट आप सोच के देखिए दोज पीपल हुर मिडिल क्लास middle class or you can say those people who are coming in the upper class they have acs they have tv they have fridge they have washing machine they have everything in their house so in a way they're going to consume more than 200 units so in a way they end up paying complete amount and they're not going to get any kind of you know subsidy here but think about a person who's being living in a very small house and they're not having you know all these goods with them you know which have been called as a consumer goods or which have been called as a वाइट गुड्स ठीक है तो उस केस में आप जानते हैं उनके पास क्या होगा ट्यूबलाइट होगी पंखा होगा ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो एक पुराना सा टीवी लगा होगा ठीक है अब आप कहेंगे सर ये तो है ही नहीं हमने तो कई बार देखा कि अलग अलग झुग्गियों में ये है वो है जो अलग अलग स्लम एरिया होते हैं उसके अंदर टीवी फ्रिज वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं देखिए इवन इफ दीज थिंग्स आर बिंग देन दिस इज विद वेरी फ्यू पीपल बट यू नो दिस थिंग अगर उस चीज से कुछ भी लोगों को फायदा मिलता है देन अगेन यू कैन से इट्स नथिंग बट अ वेलफेयर में सर

कि क्या वाकई में उनको उस चीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं अगर रिक्वायरमेंट है तो वो वोट करेंगे रिक्वायरमेंट नहीं तो वो वोट नहीं करेंगे उनके फेवर में अब देखिए आप अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो उन्होंने डेली पंजाब के अलावा और भी कई स्टेट में इलेक्शंस लड़े और उन्होंने हर जगह यही वादा किया कि हम आपको इतनी यूनिट्स फ्री देंगे हम आपको ये फायदा पहुंचाएंगे वो चीज फ्री देंगे बट यू नो दिस थिंग पीपल डेंट एक्सेप्ट वट एवर इलेक्शंस अगर देखिए यही बात होती जीतने की तो अगर आप जानते हैं कि अभी इलेक्शंस में आप देखिए वही बात करें अगर आप इंटरनेशनल लेवल की कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी जो कल्चर है उसको फॉलो करने की कोशिश करें बट कहीं ना कहीं आप जानते हैं देर ऑल्सो नॉट एबल टू विन द इलेक्शन एंड दैट यू नो दैट वॉज इन यूजेडेड ओके अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर पार्टीज हैव सेट फ्रीबीज है क्रिएट अ सिचुएशन वेर अ स्टेट मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दैट फ्रीबीज प्रोवाइडिंग यूजिंग टैक्स फेयर फंड एम टू इंक्रीज पॉपुलरिटी ऑफ पार्टीज

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव ए डिसीजन इन फेवर ऑफ यू नो दोलिटिकल पार्टीज अब देखिए इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें सो so, इसमें जो जस्टिस पी सदसिवम एंड मोर ओवर जस्टिस रंजन गोगोई वॉज देयर वो ऑफ सिंपली प्रोवाइडेड दी जजमेंट है इसमें पांच मेन पॉइंट जिनके ऊपर अगर मैं आपको बात करूं वो क्या है जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकंसिडर करने की बात करी है बाई सिंपली एस्टेब्लिशिंग अजेस बेंच ओके okay, अब देखिए वो पांच मेन पॉइंट क्या थे इस पर्टिकुलर केस में एक एक करके उनके ऊपर बात करते हैं देखिए पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट मैंने टू थाउजेंड में बोला था वो था कि प्रॉमिसेज मेड बाई पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग प्रोमिस देखे, 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 द प्रोमिस ऑफ फ्री गिफ्ट कैन नॉट बी कॉल्ड ब्राइबरी और करप्शन अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बिकॉज जो पिटिशनर थे उन्होंने क्या बोला था कि सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री इन चीजों के लिए मना करता है

पोलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वन ट्वेंटी होल्ड नहीं करता है यानी कि जब भी पोलिटिकल पार्टी फ्री गिफ्ट या फिर चीजें प्रोवाइड करने के कहते हैं तो उसे हम ब्राइबरी का नाम या करप्शन का नाम नहीं दे सकते दैट इज वॉट दे प्रोवाइड इन टू थाउजेंड थर्टीन सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे देखिए यहां पर क्या इफ ए गवर्नमेंट गिफ्ट आइटम्स फॉर फ्री टू इट्स पीपल टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ That is in accordance with the directive principle of state policy. Because if you read Article 38 and Article 41 of the Constitution of India, that is basically the state can provide all these things. So, for example, the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, and political, shall inform all the institutions of the national life. The state shall, in particular, strive to minimize the inequalities in income and the other. And if you read about Article 41, the state shall, within the limits of economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, education, and public assistance in case of unemployment, old age, sickness, and disablement, and in other cases, see this word carefully, undeserved. Getting what I am trying to say? Now, third point which they provided. Giving freebies is not against the right to equality promised by the constitution of India. So basically, what he said petitioner said, that article 14 is basically providing for the right to equality. And the freebies treats unequals as equal and is therefore unconstitutional. Supreme They said that is something that you need to be provided. Okay. Now, if you talk about the point number four here.

उन्होंने विशाखा केस का यहाँ पे एक मान के चलिए ही बेसिकली गेव यू नो ऑफ ऑफ विशाखा केस उन्होंने बोला कि 1997 में एक विशाखा केस था जहां पे मान के चलिए अ लेडी कॉल्ड कॉल्डी देवी हु कैंक रेड ओके सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रोवाइडेड यू नो वट काइंड ऑफ यू नो एनवायरमेंट यू नीड टू प्रोवाइड एट द वर्क प्लेस So guidelines was given by the Supreme Court of India, and on what ground there was a lacuna in the law of the central government and state governments regarding that. That's why the guidelines were given. But in this particular case, Supreme Court of India provides there is no lacuna here. So we can't provide any kind of you know guidelines here. So it is totally under the ambit of the central government, you know, to simply have some sort of what you say the kind of uh, you know. Uh, that all the uh, sta uh, state political party, the central, uh, the national political party need to have a, some sort of consensus regarding this particular thing, that whether they want to have any kind of law regarding the freebies or not. Getting what I'm trying to say? So Vishaka case the Supreme Court ne guidelines isliye provide ki thi because there was a lacuna in the law given by the government. But here there is no lacuna, and that's why the Supreme Court of India can't interfere here. ठीक है और पांचवी चीज जो इस पर्टिकुलर के, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू में बताई थी सी ए जी कैनोटेल स्टेट गवर्नमेंट हाउ टू स्पेंड देबर अंडर आर्टिकल इंडिया गवर्नमेंट इज ओनली हैविंग द पावर टू सिंपली चेक दो हिस एक्सरसाइज इज नथिंग बट अ कांड ऑफ अ पोस्टमार्टम एक्सरसाइज दैट इज बिंग डन बाई दो पॉइंट यहां पर निकल के क्या आता है

कि सुप्रीम कोर्ट आई एम अगेन रिपीटिंग दैट पॉइंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इस केस में जिन जिन चीजों के ऊपर हमने ध्यान देके अपना डिसीजन प्रोवाइड किया था दैट नीड टू बी रिकनसीड एंड दैट्स व्हाई 26th ऑफ अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बेंच ऑफ थ्री जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू लुक इन टू दिस मैटर वंस अगेन फिर से इसके ऊपर बोला गया कि दोबारा से इस चीज के ऊपर बात की जाए इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इस चीज पे देखा जाए कि इसमें कैसे चीजों को ठीक या फिर इसमें क्या बदलाव लाने चाहिए अब देखिए पॉइंट यहां पे ये है कि क्या फ्रीबीज ठीक है या नहीं है तो अब देखिए पहली बात तो ये अगर आपको फ्रीबीज के ऊपर या जो भी आप रेबड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं या जो भी आप चीजों की बात कर रहे हैं उनसे आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि उसका एम्बिट क्या होगा वेलफेयर का जैसे देखिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम की बात करें पीएम किसान की ठीक है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बेसिकली ट्रांसफरिंग सिक्स रुपीस रुपीज टू गुड नंबर ऑफ फार्मर्स इन केस ऑफ कंट्री एंड दैट स्कीम इज बेसिकली स्टार्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एम रन बाई स्टेट गवर्नमेंट इन साउथ पार्ट ऑफ अ कंट्री इन द नेम ऑफ रायटू बंधु ठीक है वहां पे वो लोग ट्रांसफर करते थे फिर उसके बाद एक स्कीम आई कालिया जो आपकी झारखंड में चलती थी अब उसके बाद यही स्कीम आप मान के सेंट्रल गवर्नमेंट लिए तो पॉइंट ये आता है दट इज ऑल्सो नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ फ्री अमाउंट ऑफ मनी यू बी गिविंग टू दि द पॉइंट इज वॉट अब देखिए कुछ लोग इसको बोलेंगे हाँ सर तो फ्री है और कुछ लोग इसको क्या है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे पार्ट ऑफ द गवर्मेंट ऑफ इंडिया पीपल डोंव मनी टू इवन बाई दीड्स एंड फर्टिलाइजर दे आर सपोज टू रिसीव हेल्प फ्राम द सेंट्रल गवर्नमेंटिंग वैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिस एग्जाम्पल दी वैसे मैंने आपको हेल्थ केर का एग्जाम्पल दिया ठीक है तो पॉइंट ये आता है देखिए इफ यू टॉक अबाउट की वेदर दीज थिंग्स कैन बी प्रोवाइड तो देखिए ये एक बहुत ही डिफिकल्ट आंसर है उसको provide कर. पठा ये है मान के चलिए इफ गुड अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी देम बिकॉज प्रोवाइडेड ऑल द बेसिक पीपल एंड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी तो देखिए इन चीजों में आप उनको ठीक है या गलत है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है पॉइंट ये आता है कि अगर आर जो हमारा कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के लोन बहुत ज्यादा हो गए हैं बिकॉज दे बीन प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ फ्री थिंग्स टू पीपल दीज आर नॉट नेसेसरी दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द स्टेट लेवल इन टर्म्स ऑफ डेट टू जी डी तो देखिए उसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर कल को अगर किसी स्टेट में प्रॉब्लम होगी देखिए स्टेट इज अ पार्ट ऑफ आर कंट्री ऑब्वियसली उसको रेस्क्यू किया जाएगा रेस्क्यू करने में कौन पैसा देगा आप मान के चलिए दैट विल बी गिवन बाय गाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओके सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पैसा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेके आएगी जनता से और जनता से पैसा कैसे लिया जाएगा जनता पर टैक्स लगा के तो अल्टीमेटली मान के चलिए जो बर्डन पड़ने वाला है वो किस पे पड़ेगा वो पड़ेगा जनता पे तो आप कह सकते आज तो आप फ्री चीजें दे रहे हैं ठीक है दैट मे और मे नॉट बी एज फॉर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल और दैट मे मे नॉट बी पार्ट ऑफ द वेलफेयर मेज बट द पॉइंट इज वॉट That thing might create lot of problems in the upcoming time if the current state of finance of the state government is not good. वहीं पे मान के चलिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में भी उनके जो रिसोर्सिस की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है इन अ वे बिकॉज दे आर ऑल्सो बिंग ऑलमोस्ट एटीन टू नाइनटीन परसेंट ऑफ़ दर यू नो देर मनी देर बिंग स्पेंडिंग ऑन दी इंटरेस्ट पेमेंट ऑनलीट एवर अमाउंट ऑफ मनी देर स्पेंड इन दी पास्ट तो देखिए पॉइंट ये है जब रिवाइज गाइडलाइंस आएंगी तो हमें पता लगेगा बट वट आई बिलीव इस मुद्दे पे मान के चलिए कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं निकल के आएगा क्योंकि जिस चीज में इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं उस चीज में मान के चलिए इवन इफ यू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ थिंग टुडे देन ऑब्वियसली टुमारो यू समिंग टूडेसली हैव सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट इट उस चीज के अंदर मान के चलिए होगा तो डू रिमेंबर वट एवर थिंग वी हैव रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई डोंट थिंक देर गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ कॉन्क्रीट डिसीजन वी गोइंग टू गेट बट द दस द पॉइंट इज वॉट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इवन इट इज बी गिवन बाई सेंट्रल स्टेट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट द पॉइंट इज वॉट इट इज सपोज टू बी गिवन एट फॉर सर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री अब देखिएगा अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात करें तो कोविड के टाइम में आप जानते हैं कि एक्सट्रॉनरी सिचुएशन थी तो उस टाइम तो आपने बहुत सारी चीजें फ्री प्रोवाइड करी दैट वाज रिक्वायर्ड बट द पॉइंट इज व्हाट वाज इट रियली रिक्वायर्ड

ओके सो दैट टोटली डिपेंड्स तो देखिए आज के टॉपिक में मुझे केवल आपको ये बताना था कि दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू हैव ओके एंड दैट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द फ्री बिकॉज वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन अबाउट इट सो बेसिकली वी कॉन्ट डिफाइन इट इन अ प्रॉपर वे कि वट कुड बी दानक्रीट थिंग आउट ऑफ दैट चलिए ये मुझे आपको बताना था आप देखिए आगे अगर हम बात करें तो आप जानते यूपीएस कॉम्बेट इज गोइंग ऑन सो द फर्स्ट फाइव हंड्रेड गोइंग टू गेट गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप फिफ्टी फर्स्ट 50 रैंक होल्डर Then 51 to 250 will get 30%, and then after that, the next 250 people will get 25% off. Then test series has been started from September of 11. So if you want to enroll you can simply enroll there, and that is all we need to provide you. So do remember my plus course for the ncert is going to start from 8th of September, and the timing is 7 to 9. And then my full-fledged course for the pre-ecome mains is going to start from 10th of October. And the timings I will announce very soon about it. Thank you very much for listening to me. Take care and bye bye.